तो गाइस हम लोग हैं अभी नैनीताल में, और नैनीताल के ये जो होटल पे रुके हैं वहाँ से नैनीताल का पूरा सीन दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग नज़ारा यहाँ का। तो फ्रेंड्स ये आप सब देख सकते हैं पूरा नैनीताल यहाँ से दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से लेक भी यहाँ का दिख रहा है, और सुबह सुबह यहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। अभी धूप हो गई है इसलिए नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप सब हम लोग आए हैं हिमाचल व्यू देखने। इस नैनीताल के पहाड़ से ये पूरा हिमाचल का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ भी रखे हुए हैं शौकीन चीज, खाने के लिए मैगी मिलता है यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर स्नोफॉल गिरा है, कितना बर्फ है यहाँ पे। वाओ ये देखिए फ्रेंड्स ये जंगल है, और स्नोफॉल तो देख रहे होंगे आप, इस पूरे रास्ता पे गिरी है स्नोफॉल। वाओ भैया इधर आ, वहाँ देख नीचे नीचे भी है बहुत सारे स्नोफॉल, बहुत सारा स्नोफॉल दोस्तों यहाँ पे जंगल के नीचे नीचे। ठंड बहुत है यार यहाँ पे सच में। ठंड तो बहुत है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग कितना यहाँ पे स्नोफॉल है। गाड़िया गाड़ी क्या पागल हो गई है गाड़ी गाड़ी मुझे वीडियो बनाना हो गई, इसको वीडियो बनाना था। तो दोस्तों ये तो बहुत अच्छी जगह है सच में, हम लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आप ही आइए और एंजॉय कीजिए। वो पत्थर तो है ए, किसी चढ़ी दे रही है, हट कर हट कर हट कर। ये पत्थर ना इसे मारो, ऐसे मारो, इसे मारो, इसे मारो। एटक गंदे टे गाड़ी साइड हो जाओ।
मजा तो ले रहे हैं ये दोनों, अभी मैं मजा दिखा दूँ। बारिश होती है, बारिश में होती है और नल के पानी से खेलते हो। राइट राइट। वहाँ से लेते हैं ऊपर ऊपर चढ़ गया। तू है भाई, कौन है वो? जाओ ना तुम भी मजा करो। हाय। ये टाइम फॉर रिवेंज गाइस। चल शुरू। टूटा भी नहीं। गाड़ी गाड़ी दोस्तों, ठंड तो बहुत था बट मजा आ गया। आगे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। भीड़ तो बहुत है यहाँ पे। मजा आया कितना? तुम्हारे मम्मी का तो पागल हो गई, आज सबके ऊपर गिरा दी ना। एक एक ये दे दो, ऐसे करो। क्या दे? तो दोस्तों हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ से हॉर्स राइडिंग के लिए। मजा तो आएगा यारो सच में। वाह जानवी का क्या ले गई जानवी? डर गई। मंकी क्या ले गई बेबी? ओ देखो ले गई ना। इतना नोटी मंकी है, हाथ से छीन के ले गई बेचारी बेबी का और खा रहा है। शैतान कहीं का, इतना शैतान कौन होता है यार। बच्चे के हाथ से खाना छीन के ले गई। तो दोस्तों हम लोग रिटर्न जा रहे हैं मेरे भाई की वजह से। मेरे भाई के दोस्त लोग आए हैं और वो लोग बोल रहे हैं 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। देख तेरा जीजू करा दे। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं लवर्स पॉइंट पे। ये देखिए लवर्स पॉइंट है यहाँ पे है।
और डेथ पॉइंट किधर है? ये डेथ पॉइंट यही है नीचे। ये लवर पॉइंट है ना? लवर पॉइंट है नीचे। अच्छा तो चलिए देखते हैं लवर्स पॉइंट। तो दोस्तों जंगल कैसा लग रहा है आप लोगों को? दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अभी लवर्स पॉइंट पे और नीचे है डेथ पॉइंट। तो देखते हैं ऊपर की जो पॉइंट्स है वो है लवर्स पॉइंट और यहाँ पे है डेथ पॉइंट। तो फ्रेंड्स देखिए जिसे मरना है यहाँ पे आ जाइए और मरिए और जिसे जीना है ऊपर से ही रुक जाइए वहाँ पे। व्यूज तो काफी अच्छा है, रियल में और भी ज्यादा सुंदर है यहाँ पे। तो दोस्तों ठंड तो बहुत है यहाँ पे। जा रहे हैं नैनीताल। ये एक लेक का नाम है, इस लेक की वजह से यहाँ का नाम नैनीताल रखा गया है। यहाँ का लोकल मार्केट जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आप लोगों को मैं दूसरे एक वीडियो पे दे दूँगी, इस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, ऐसे भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो दोस्तों चलिए नैनी लेक का थोड़ा शेयर कर लेते हैं। अच्छा खुद बोटिंग करना मजा आता है। अंकल ये मैं घुमा सकती हूँ उसे? बहुत भारी है। भारी बहुत है। फिर आप कैसे घुमा रहे हो? बड़े हैं ना, हाथ छोटे हो। अच्छा पानी गंदा ही है? नहीं पानी पीने के लिए यूज होता है नैनीताल। पानी हाथ में ले लेते हैं लेने के लिए। नहीं गिला मत करो प्लीज ना, ज्यादा टाइम कर लेना। बर्फ का पानी होगा? बर्फ का पानी है, बारिश का पानी तो नहीं कहीं अंदर जाते। अभी यहाँ पे बर्फ तो होगी नहीं कहीं। जीरो पॉइंट बोलते हैं ना, मतलब जमा हुआ है कि वैसा है? जमा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका नाम है नैनी झील। नैनी झील क्यों है फिर? ओ नैनी झील के नाम से नैनीताल है। अच्छा नैनी माता का मंदिर है, यहीं कुलदेवी है। कहाँ पर है? यहाँ इसी लेक के आस पास। ये पानी कहाँ से आ रही है? नीचे से? नहीं ये पानी नहीं नहीं नदी नदी वगैरह है यार। पहाड़ों से आ रहा है ये पानी? झरनों का पानी है इसलिए कभी नहीं सूखता होगा। इतने पहाड़ के ऊपर पूरा बिल्कुल ऊपर ही बनाए हैं घर। पहाड़ की चोटी पे मजे से। आगे जाएगा।
आइए सर। मेरे को चलना है इसी गाड़ी पे, बैठ मेरे पीछे बैठना, मैं चलाऊंगी। अभी नहीं करूंगी सर, तो देख लेना आप लोग ये वीडियो दूसरे एक पोस्ट पे। अभी के लिए छोटा सा क्लिप में दिखा देती हूँ आप लोग। क्या वाओ, मुझे लगा तुझे भूख लग रही है, तो कुछ खाना है? खाती ना तुम। तो दोस्तों ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है रात में नैनीताल, जस्ट वाओ 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 है। ये देखिए ये बड़ा गुरुद्वारा है, और ये पहाड़ के ऊपर बिल्कुल लाइटिंग देखिए मस्त दिख रहा है पूरा। मैं यहाँ ये जो नैनीताल का झील है, गुरुद्वारा जो मंदिर अभी गई थी, उस मंदिर के बाहर हूँ, अभी स्टेडियम पे हूँ। बहुत बड़ा स्टेडियम है ये, और कैसा दिख रहा है आप देख के बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है ये जगह, यहाँ से मन नहीं करता जाने का। तो हम लोग जाने के टाइम पे रास्ते पे जंगल फिश का नाम का एक रेस्टोरेंट देखा, वहाँ पे हम लोगों ने मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मार्च 5 को मेरे भाई का बर्थडे है, उसी दिन हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन किए थे। जगह बहुत ही अच्छा था दोस्तों, मज़ा आ गया सच में। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं से एंड करते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर देना, अगर नहीं है चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी बर्थडे ब्रो। एक फोटो खींच दो ना इसको।